कुंडली दंड पाणि स्तरण निगरणी व्याधयज्ञो परीति यतो समये समयादेन विच्छेद हेतु जय दिवटुकनाथा सच्चिदा साधुकाना ओम बम बटुकाय उद्धारणाय गुरु गुरु बटुकाय नमः कुल भैरवाय नमो नमः जाई ध्यानम समर्पयामि। भगवान भैरव का ध्यान करते हुए अपने समकक्ष जो दोना रखा हुआ है उसमें चढ़ा दीजिएगा। पुनः एक पुष्प में गंगा क्षत इत्यादि लेकर के भगवान का पंचोपचार से पूजन करिएगा। ओम कुल भैरवाय नमः सर्वोपचारार्थे गंगा क्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। प्रार्थना कर लीजिएगा भगवान भैरव से। ओम नमो भगवते बम्बटुकाय आपदुद्धारणाय गुरु गृहिणपटुकाय नमः क्षेत्रपा गोकुल भैरवाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमः स्मरोमि। ओम नमो भगवते भैरवाय नमः। भगवान भैरव का पूजन करने के बाद में आप कर्म पात्र का पूजन करिएगा। जिससे हम भगवान का पूजन कर रहे हैं उस कलश के नीचे थोड़े से अक्षत रखिएगा और उसके ऊपर कलश को विराजमान कीजिएगा। पुनः कुछ अक्षत अपने हाथ में रख करके भगवान वरुण का आप ध्यान आह्वान कीजिएगा। भगवान वरुण का अपने कर्म पात्र कलश में भगवान का आह्वान करिएगा। ओम हरिः ओम वाय ओम दर्वाजामि ब्रह्मणा बन्ध मानसगा शास्त्रे जयमानो हरिः अहेडमानो वरुणे अवद्य रुजगं समान आयो प्रभोगी अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सायुधं सुसृतिकं सपरिवारं आवाहयामि स्थापयामि नमो नमः। ओम हो वरुण इहागच्छ इहातिष्ठ ओम मनो ज्योतिर्जुगदा मानस बृहस्पति जगानि वन्दनात्वरि संजयकुं समिमण्डलादो विश्वे देवा इहमादयं दामो प्रतिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः। अब कलश के कंठ का आप स्पर्श कीजिएगा अपने हस्त से दोनों हाथों से और कलश के अंदर समस्त तीर्थों का समस्त देवों का आवाहन कीजिएगा। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासता मूले तत्र स्थितो मध्ये मध्ये माजगणास्मिता उच्चौ सागर सर्वे सत्त्वीपा सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च सहिता सर्वे कलशाम्भो समासता गायत्री जात्र सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयत्तो वसान्त्यरणं दुर्गक्षय कारका गंगै चैवदे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं करो ब्रह्माण्डो जलतीर्थानि करे स्पृष्टानि ते रवे तेन सत्येन मे देवानीर्थं देहि नमाकरः। ओम नमो भगवते वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। एक पुष्प में गंधक्षत इत्यादि लगा करके भगवान वरुण के अंदर कलश के अंदर चढ़ाइएगा। भगवान वरुण का पूजन कीजिएगा सर्वोपचार अर्थे गंधक्षत।